की फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। करते हैं एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग स्टार्ट। और आज के व्लॉग में मैं आपको थोड़ी सी बाहर की सैर करवाऊंगी, यानी कि कराची के मैन सदर मार्केट की आपको मैं सैर करवाऊंगी। इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं कराची सदर, कुछ शॉपिंग करनी है, बच्चों की तैयारी है, बच्चों की शॉपिंग करनी है हम लोगों ने, तो चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मिराज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और अच्छा ना भी लगे तो भी सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो चले मेरे साथ रहिए, करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो जी फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल चुके थे और ये हम लोग सदर मार्केट में बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। ये बोहरी बाज़ार, कराची का जो बोहरी बाज़ार है, हम लोग तकरीबन ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच चुके थे। ये यहां पे आ गया सदर में मुर्शद बाज़ार। जो कराची के रहने वाले हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि मुर्शद बाज़ार कपड़ा मार्केट कहां है। तो ये हमने मुर्शद बाज़ार यहां पे क्रॉस किया। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था यहां पे क्योंकि शाम के तकरीबन 7 का टाइम था और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं था। और जिस तरह से आप सबको पता है, मिलाद की आमद आमद है और हर जगह पे इसी तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। माशाल्लाह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं तैयारी ज़ोर शोर से जारी है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये हम लोग मेन बाज़ार में पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पर कुछ बच्चों के टॉयज़ वग़ैरह पड़े हुए थे जो सेल में लगे हुए थे। तो अब हम लोग वहाँ से दोबारा इसलिए रवाना हुए क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की थी, लेकिन उस टॉय वाले ने हमें कहा कि पार्किंग नहीं है यहाँ पे, तो आपको कहीं और जाके बाइक लगानी पड़ेगी, यहाँ से पुलिस उठा लेगी। फिर हम लोग वहाँ से आए और यहाँ पे आके दूसरी साइड पे हम लोगों ने अपनी बाइक पार्क की। यहाँ पर ये जो अंकल हैं हमारी बाइक पार्क करवा रहे थे, यहाँ पर हमने बाइक अपनी पार्क की और अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने मिशन की तरफ। ये मैन सदर है, ये मेरे साथ साथ आप भी देखते जाएं। मैंने बहुत ही मुश्किल से वीडियो शूट की थी, हाथ में मेरी बेटी भी थी, लेकिन फिर भी आप सबको दिखाना तो बनता ही है। तो ये है मैन सदर अंदर मार्केट, जिसने नहीं देखी सॉरी, इसे इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी छोटी बेटी का हाथ है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। खैर फिर भी कोशिश पूरी की मैंने कि आपको वीडियो में अच्छे से अच्छी दिखाऊं। इस शॉप में मैं आई हूँ बच्चों की कुछ फ्रॉक्स वगैरह देखने के लिए। सारी मैंने शॉप को देख लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे मतलब की कोई भी फ्रॉक समझ नहीं आई, कुछ भी, मतलब जो मैं चाह रही थी वो चीज़ मुझे सदर में नहीं मिली। और सदर में इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती है, मतलब कि बस वो लो क्वालिटी में होती है जो हर बंदा ख़रीद सकता है। और मैं भी इतनी अमीर नहीं हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मेरी कुछ चॉइस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बच्चों के हिसाब से। तो खैर हम लोग आगे दुकान पे भी रवाना हो गए हैं। मेरी बेटी यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब कर रही थी और अभी भी आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी इसकी। फिर हम लोग यहाँ से दूसरी शॉप पे इंटर हो गए। यहाँ पर भी मैंने पूरी शॉप पर नज़र दौड़ा ली, यहाँ पर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। खैर फिर भी देखती रही मैं, देखा देखा कि शायद कुछ मुझे पसंद आ जाए, लेकिन इस शॉप में भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बाहर की तरफ दोबारा से मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें अब हम चलते हैं किसी और शॉप पे। यहाँ पे मुझे एक फ़्रॉक समझ में आई थी। ओहो, ये हुरैन का हाथ बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक फ़्रॉक समझ तो आई थी, लेकिन वो मेरी नूर फातिमा का साइज़ नहीं था। अभी ये भाई वहाँ से फ़्रॉक उतार के दिखाएंगे। ऊपर से तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसे वो फ़्रॉक नीचे आई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ये बहुत ही लो क्वालिटी की लगी। खैर यहाँ पे नूर फातिमा की फ़्रॉक चेक हो रही है और ये भी फ़्रॉक मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आई। अब हम इस शॉप से भी बाहर जा रहे हैं। अब हम लोग शॉप से जब निकले हैं तो आगे देखते ही देखते चल रहे थे कि शायद ही हमें कुछ हमारे काम की चीज़ नज़र आ जाए,
और माशाल्लाह से आप ये देख रहे हैं कि हर जगह पे सजावट हुई हुई है मिलाद की वजह से। तो यहाँ पे मुझे एक टॉय की शॉप नज़र आती है, इस शॉप में मैं जाने का सोचती हूँ, खैर चली ही जाती हूँ कि यहाँ से मैं कुछ गिफ्ट वगैरह देख लूँ अपने भतीजे के लिए। तो अभी मैं शॉप में नज़र दौड़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही नॉर्मल सी गाड़ियाँ हैं और ये लोकल सी बॉल्स वगैरह हैं। यहाँ से भी मैं बाहर निकल जाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे मतलब की चीज़ नहीं थी। और यहाँ पे मैंने एक स्लाइड पता की, ये जो आपको स्टार्ट में येलो कलर की स्लाइड नज़र आ रही है, ये स्लाइड मैंने पता की और इन्होंने मुझे यहाँ पे 8,500 रुपया स्लाइड की कीमत बताई। जबकि मैंने किसी और जगह से पता की तो मुझे वहाँ पे कदरे कम कीमत मिली। सेम चीज़ थी, सेम साइज़ था, सब कुछ था, मुझे वहाँ से स्लाइड की कीमत बहुत कम उन्होंने बताई। तो हमने यहाँ से भी इग्नोर किया और अब हम लोग निकले नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पर बच्चों की फ़्रॉक्स वगैरह थी, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी हमें फ़्रॉक्स दिखाई और अभी देख ही रही थी मैं। कुछ फ़्रॉक्स थी जो मेरे मतलब की थी, क्योंकि मुझे ना बहुत चमक धमक और लच्छन वाली फ़्रॉक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बहुत ही सोबर सी फ़्रॉक चाहिए होती है, बेशक महंगी हो लेकिन ये चुभन ना हो बच्चों पे। खैर मुझे यहाँ पे बहुत सारी फ़्रॉक्स इस तरह की थी जो मुझे समझ में आई, और एक फ़्रॉक ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद आई लेकिन उसमें नूर फातिमा का कोई साइज़ नहीं मिला। अब हम लोग दोबारा यहाँ से निकले, नेक्स्ट शॉप पे गए, वहाँ पे मुझे ये फ़्रॉक जो है समझ में आ गई। ये जो फ़्रॉक आपने देखी है, ये फ़्रॉक मुझे समझ में आई। और भी मज़ीद फ़्रॉक्स मैंने देखी कि किसी और पे शायद दिल आ जाए, मगर दिल तो बच्चा है जी, फिर मुझे यही फ़्रॉक अच्छी लगी। मज़ीद भी मैं अभी आगे आपको यहाँ पे फ़्रॉक दिखाती हूँ। जो मुझे तीन फ़्रॉक्स यहाँ पर समझ में आई, एक तो थी ये वाली, बहुत ही सोबर फ्रॉक थी, एक ये थी, और नेक्स्ट अभी जो ये उठाएंगे एक ये वाली थी। इसका जो नेक का डिज़ाइन है ख़ूबसूरत था कि अगर बच्चा पहनेगा तो बहुत प्यारा लगना था, लेकिन मुझे दुकान वाले भाई ने कहा कि सिस्टर आप ये मत लें, आपकी छोटी बेटी हेल्दी है तो उसे घुटन होगी। खैर हमने फ़्रॉक्स वगैरह ले ली। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं शूज़ की शॉप पे, और शूज़ भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जिस शॉप में गई यहाँ से ही मुझे अपने मतलब के सैंडल्स मिल गए, और मैंने अपने बच्चों के सैंडल लिए यहाँ से, और ये शॉपकीपर नूर फातिमा को इसके शूज़ पहना के यहाँ से रवाना कर रहा है। हमने वहाँ से भी सामान अपना ख़रीद लिया। हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग अब वापस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। बच्चों के कपड़े हो गए, जूते हो गए, और छोटी मोटी जो ज्वेलरी थी वो भी मैंने ख़रीद ली। यहाँ से रवाना हो गए और वही शोर शराबा, पी पी पा पा, ऑटो भाई, साइड पे चोरी मांगने वाले, हर एक चीज़ को ठुकराते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने अपनी बाइक को रोका, और मैंने आपको ठीक से जूते वगैरह दिखाना चाहे। अब मुझे नहीं पता था कि मोटे भाईजान भी बीच में आ रहे हैं। खैर अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। ये टावल वगैरह हैं, ये यहाँ पे रास्ते में जो स्ट्रीट है, यहाँ का एक मेन रोड है जहाँ से गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह गुजरती हैं, ये सब कुछ इन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ है रास्ते में। ये कराची का सदर भी पिंडी का जो राजा बाज़ार है उसी की तरह है, सेम उसी तरह ही बड़ा है। मैंने राजा बाज़ार भी देखा है, और अगर पिंडी वाला कोई वीडियो देख रहा है तो सेम आप समझें कि आप राजा बाज़ार में घूम रहे हैं। तो ट्रैफिक को इग्नोर करते हुए हम लोग अभी चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमारी बाइक चल रही है। ये आप देखते जाएं साथ साथ ही रास्ते में वापसी पे ये सब कुछ है। हाँ इस जगह पे हम लोग आए, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आबिद ने बाइक रोकी और बाइक बहुत मुश्किल से अंदर खड़ी की, और हम लोग गए कुछ खाने पीने के मूड से अंदर। लेकिन यहाँ पे जब मैंने मेन्यू देखा तो यहाँ पे जिंगर, ब्रोस्ट वगैरह इस टाइप के आइटम थे, कुछ हल्का फुल्का खाने में नहीं था।
खैर बाहर मेन्यू चार्ट लगा हुआ था, यहाँ पे मैंने अपना मेन्यू ये आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे मैंने मेन्यू रीड किया और मैंने आप इससे कहा कि नहीं खाना घर चल के खाएंगे, बस कुछ हल्का फुल्का सा खाते हैं और यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठना कैंसिल किया और आबिद को गुस्सा आ गया मेरी बात पे कि मैंने इतनी मुश्किल से बाइक को खड़ा किया। खैर हम लोग यहाँ से निकल गए और मुझे सदर में एक जगह पसंद है सैलानी भेलपुरी के नाम से है, तो वहाँ पे मैं बहुत शौक से भेलपुरी खाती हूँ। वहाँ से भी हम लोग जो है इधर अपनी भेलपुरी की तरफ आ गए। नूर फातिमा को लगी है सख्त प्यास और नूर फातिमा यहाँ पे पी रही है पानी। हम लोगों ने दुकान के अंदर बैठ के खाने से बेहतर बाहर खाना मुनासिब समझा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स हो रही थी दुकान में, तो हम लोग जो है बाहर ही भेलपुरी खाने के लिए बैठ गए। तो बच्चों को पानी वानी पिलाया और हम लोगों ने अपने भेलपुरी को ऑर्डर कर दिया। भेलपुरी रेडी हो रही है और यहाँ पे हूर को भी प्यास लग गई मेरी हूरी को, आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसको बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी मेरे बेटे को, अब ये पानी पी रही है मेरी बच्ची। ये हमारी भेलपुरी और चाट आ गई। तो जी फ्रेंड्स अब हम वापसी की तरफ अपने घर की तरफ रवाना हैं और ये हम लोग वापस आ रहे हैं रास्ते में। देखिए रात के टाइम पे कितनी लाइट्स वगैरह हैं और कहते हैं ना कराची रोशनियों का शहर होता है, तो सेम ऐसी ही बात है कि चाहे इक्का दुक्का गाड़ी है या जो भी है, देखिए आपको लाइट्स वगैरह कितनी नज़र आ रही हैं, बहुत ही टू वे है लेकिन फिर भी इतना रश वाला रोड नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त दिखें, सफाई दिखें। दरअसल ये जो रोड है ये मैन जिना हॉस्पिटल का रोड है, यहाँ पे आपको रश भी इसीलिए नज़र आ रहा होगा कि ये मैन जिना हॉस्पिटल है। यहाँ पे ये जितना भी आपको पीछे नज़र आ रहा है जिना हॉस्पिटल है, ये जिना हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं और आगे ही यहाँ पर आ जाता है कार्डियो दिल वाली वार्ड आ जाती है, ये है वो देखें दिल वाली वार्ड। हम लोग के सारे सफ़र करते हुए अपने घर की तरफ रवाना है। तो जी फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम पे मैं आ चुकी हूँ घर, बाहर मैंने अपनी कोई भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरे बाजू में यहाँ होती है हुरैन फातिमा और उल्टे हाथ में मेरी हुरैन होती है उल्टे बाजू में और सीधे हाथ में मेरे मोबाइल होता है। बहुत मुश्किल से आप सबके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ और इस टाइम पर हो रहे हैं 11:15 का टाइम हो रहा है, रात का 11:15 हो रहे हैं और हम लोग सदर से आ चुके हैं। मैंने आते साथ वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए थे और उनके साथ बस मैं मसरूफ़ हो गई थी बैठ के गपशप की। सब जा चुके हैं, ये पड़े हैं बच्चों के कपड़े जो मैं ख़रीद के लेके आई हूँ, कल ये जब मैं बच्चों को पहनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चे कैसे लग रहे हैं। और इतनी सारी शॉपिंग करने का मकसद ये है कि कल है मेरे भतीजे का अकीका और कल का व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, कल के व्लॉग को मेरे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है, कोई आपकी स्ट्रगल नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत सिर्फ एक सब्सक्राइब के बटन से मुझे चाहिए। सब्सक्राइब करें तो साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।